भिंडी मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल देखते ही आप बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था। बहुत ही आसान तरीके से ग्रेवी वाली भिंडी मसाला रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल एक चीज़ इसमें डाल देंगे तो बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार होगा जिस तरह से आप लोग होटल रेस्टोरेंट में खाते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं भिंडी की मसालेदार ग्रेवी वाली बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे देखकर आप बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था। बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल साधारण मसालों से और इतना स्वादिष्ट कि होटल रेस्टोरेंट में फेल हो जाएगा। इसके सामने एक बार बना लेंगे ना तो बड़े हो या बच्चे सभी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि इस तरह से भिंडी मसाला बनाकर उन्हें दें। और जिन्हें दो रोटियों की भूख होगी वो चार रोटियां भी खा लेंगे। इतना स्वादिष्ट लगता है भिंडी मसाला ग्रेवी वाली रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी चीज़ के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने भिंडी ले लिया है 250 ग्राम के लगभग। इसे अच्छे से धोकर मैंने पोंछ लिया है पानी से, कपड़े धोकर और कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका साइड वाले दोनों साइड का पार्ट हटा दिया मैंने और छोटे वाले मैंने भिंडी लिया है। आप भी कोशिश करें कि छोटी वाली भिंडी, इसका बहुत ही अच्छा सब्जी बनकर तैयार होता है मसाला भिंडी। इस तरह से बीच से दो टुकड़े कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ी वाली हो तो कोई बात नहीं, उसको आप इस साइज में तीन टुकड़े कर लें। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले इसे कट कर लेती हूँ इस तरह से सभी भिंडी को, इस तरह से कट करके देख भी लेंगे बीच में कीड़े वगैरह ना हो। कट करके दोनों साइड से देख लेती हूँ, इसी तरह से भिंडी को मैं कट कर लेती हूँ। आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होने वाला है और आप वीडियो देख कर कहेंगे तुरंत कि भिंडी बनाना मैं बना लेती हूँ, इतना स्वादिष्ट लगेगा। सभी को इसी तरह से मैं कट कर लेती हूँ, साइड साइड वाला पार्ट दोनों साइड का हटाकर बीच से इस तरह से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ गैस पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल बड़ा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें क्या करूँगी कि भिंडी को डाल दूंगी और डालकर इसको फ्राई कर लेती हूँ हल्का मुलायम होने तक। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, कोई सारे कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा सब्जी बनकर तैयार होता है, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। सर भिंडी को इसे डाल लेती हूँ, डालकर इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेती हूँ। लगातार नहीं चलाऊंगी, बीच बीच में थोड़े थोड़े देर पर चलाकर हल्का मुलायम लाल कर लेती हूँ। तो जल्दी से लाल और मुलायम हो जाए हल्का, उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बस एक चौथाई चम्मच। छोटे चम्मच से मैं नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जल्दी से भिंडी मेरा मुलायम हो जाए और लाल हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक आगे का प्रोसेस तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो देखिए 3 मिनट से लगभग होगा भिंडी मेरे अच्छे से भुना गए हैं, देख रहे हैं ऊपर से ब्राउन हो गया है और मुलायम भी हो गया है। भिंडी को हमेशा बनाने से पहले क्या करें कि धोकर अच्छे से सुखा लें, उसे तो ही अच्छे से फ्राई होता है और टूटता नहीं है और चिपचिपा भी नहीं होता है। चिपचिपा भी नहीं हुआ तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ भिंडी सारे को। तो देखिए भिंडी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और सेम पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल और डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, इसे गर्म करूँगी और इसमें मैं डालूँगी फोरन। फोरन में मैंने यहाँ पर लिया है छोटा चम्मच जीरा, हरा जीरा, यहाँ पर दो हरी मिर्च, लाल हो गए हैं हरी मिर्च वो लिया है मैंने, और यहाँ पर गोल मिर्च के कुछ दाने और कुछ दाने दालचीनी के, बस इतने ही मैं फोरन में डालूँगी। जीरा डाल दिया मैंने और इन सभी मसालों को डाल देती हूँ, अच्छे से ढकने देती हूँ। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार इस तरह से बना देख लेंगे ना तो बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था, और फटाफट से आप इस तरह से भिंडी मसाला बनाएंगे क्योंकि सभी को बहुत पसंद आएंगे। घर में बड़े बच्चे रेस्टोरेंट ढाबा भी फेल हो जाएंगे उसके सामने वहाँ की सब्जियाँ जब एक बार इस तरह से आप बना लेंगे। अब मैं एक मिनट इसमें हींग डाल देती हूँ, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। हींग में डालकर और सभी को थोड़ी सी चटका लेती हूँ। देखिए खड़े मसाले चटक चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी दो मैंने प्याज लिया था जिसे इस तरह से बारीक कट कर लिया। आप चाहे तो मिक्सी करके भी डाल सकते हैं या चॉपर में चॉप कर सकते हैं। बारीक होनी चाहिए प्याज, ऐसे थोड़ी देर में भून लेती हूँ हल्का मुलायम लाल होने तक। तब तक मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। देखिए प्याज मेरा हल्का मुलायम और लाल हो गया है,
तो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि एक चम्मच से थोड़ा कम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। ऐसे भी मैं एक से दो मिनट तक भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो मिलाते हुए यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिया था जिससे मिक्सी कर लिया है। आप चाहे तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन फाइन होना चाहिए। मैंने मिक्सी किया है तो आपको जैसा सुविधा वैसा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भून लेते हो प्याज के साथ। चल रहा है, इसमें टमाटर डाल दूंगी। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भुना चुका है जैसे दो मिनट। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था इस तरह से, और जो जार में लगे हुए ना इसे पानी डालकर थोड़ा सा और इसे भी डाल देती हूँ। टमाटर को भी प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ एक से दो मिनट भून लेती हूँ। तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच दही लिया है, ना बहुत खट्टी है और ना ही बहुत फ्रेश, हल्की खट्टी है। तो अब मैं क्या करूँगी इसमें डाल दूंगी एक चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। बस मसाले इतने ही डाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होता है। तो और मैंने दही का भी इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको टमाटर ना डालना हो तो, ये ऑप्शनल है। लेकिन टमाटर के साथ भी मुझे बहुत पसंद है ये भिंडी मसाला। और मेरे घर में हफ्ते में दो दिन पक्का ही ये सब्जी बनते हैं क्योंकि सभी को बहुत ही पसंद है ये भिंडी मसाला। बनाना बहुत आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो हफ्ते में दो बार जरूर बनते हैं। आप ही बनाएंगे ना एक बार तो बार बार आपके घर में लोग डिमांड करेंगे कि इस तरह से भिंडी मसाला बनाए। तो इस तरह से मैंने मिला लिया है और इधर मैं डाल देती हूँ टमाटर में एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, बस इसे मैंने कलर के लिए डाला है। और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक छोटा चम्मच मैंने डाली हूँ नमक। तो नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने भिंडी में भी नमक डाला है। तो आप अपने हिसाब से देख कर डालें। इन सभी को अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है तो इसे कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं क्या करूँगी जो मैंने मसाला यहाँ पर तैयार किया है इसे डाल देती हूँ। और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखूँगी नहीं तो दही फट जाएंगे। इस तरह से मैं डाल लेती हूँ मसालों को। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है सब्जी का इस तरह से डालने से क्योंकि मसाले दही में अच्छे से फूल गए हैं। तो सभी को मैं डाल दी हूँ। और जो बाउल में लगे हुए हैं ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। अच्छे से मिला लेती हूँ। दो तीन सेकंड के लिए लगातार इस तरह से फेटूंगी ताकि दही मेरा फटे नहीं। आप चाहे तो गैस बंद करके भी डाल सकते हैं उसको मिलाकर, उसके बाद गैस जला लें। इस तरह से चलाते हुए तो देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया इन सर्किट के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि इसे ढक देती हूँ और ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो बीच बीच चलाते हुए मैं पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 6 से 7 मिनट लग गए हैं, कितने अच्छे से मसाले मैंने भुना गए हैं। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें एक कटोरा पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से डालें जैसा आपको ग्रेवी पसंद हो। मैं थोड़ी पतली ग्रेवी वाली बना रही हूँ, आप चाहे तो गाढ़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं कम पानी करके। अब मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ अच्छे से। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। तो अब उबाल आने देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो मैं ढक देती हूँ। तो अगर मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये सब्जी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रेवी में बॉयल आ गया है इस तरह से। अब मैं इसमें भिंडी को डाल दूंगी, जो मैंने भिंडी को फ्राई करके रखा था ना इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। डाल के अच्छे से मिला देती हूँ। मिलाने के बाद गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक मैं पका लेती हूँ। भिंडी तो ऐसे पके हुए हैं लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से पक जाएंगे ग्रेवी में और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर भिंडी मसाला। आप भी बना सकते हैं बहुत ही कम मसालों में, घर के रखें कुछ मसालों से ही आप इतनी स्वादिष्ट बना लेंगे कि
सभी लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था और बार बार आपसे डिमांड करेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा कश्मीरी ये कसूरी मेथी डाल देती हूँ, जो हथेली के वजह से मैंने क्रश करके रखा था एक चम्मच के लगभग, इसे डाल देती हूँ। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मिला देती हूँ। मिलाकर इसे ढक देती हूँ, ढक के गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर देती हूँ, 2 से 3 मिनट तक मैं पका लेती हूँ। तो देखिए 3 मिनट के लगभग हो चुका है, भिंडी मेरा अच्छे से मसालों के साथ मिल गया और पक गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। पूरी पराठे, रोटी, चावल किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए गैस को मैं ऑफ करती हूँ और सर्व करके आपको दिखाती हूँ। चलिए इसे सर्व करके दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही कम समय में, बहुत कम मसालों में होटल रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला बनकर तैयार हो गया। बच्चे हो या बड़े, सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, उंगली क्या प्लेट भी चाट जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है। जो भिंडी नहीं पसंद करते वो भी भिंडी खाना पसंद करेंगे। एक बार जरूर इस तरह से आप बनाकर देखिए, फिर बार बार आपके घर में बनेंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।